नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइन भारत और मैं हूं इस वक्त आपके साथ राकेश कुमार। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आइए डालते हैं इस खबर पर एक नज़र। लखीमपुर खीरी से एक बड़ी खबर आपको दिखाना चाहते हैं। लखीमपुर खीरी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्हें पुलिस नाम का किसी भी प्रकार का खौफ नहीं है। ताज़ा मामला लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित कमला डिग्री कॉलेज का है, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने खमरिया कस्बे के रहने वाले पत्रकार रमेश मिश्रा को शाम करीब 5:30 बजे नहरिया पटरी पर गोली मार दी। गोली लगने से रमेश मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल रमेश मिश्रा अपने साथी के साथ बाइक से खमरिया से लौट रहा था, तभी रास्ते में नहरिया पर स्थित कमला डिग्री कॉलेज के पास अचानक दो बाइक सवारों ने पीछे से आकर गोली मार दी और गाड़ी से ओवरटेक करते हुए दोनों बदमाश बाइक से फरार हो गए। गोली रमेश मिश्रा के पीठ पे जा धंसी। आनन फानन में रमेश मिश्रा के साथी ने रमेश को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लेकर आया। घटना की जानकारी मिलते ही लखीमपुर खीरी जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह सहित एसपी शैलेंद्र लाल जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार रमेश मिश्रा को घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने रमेश मिश्रा की हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया। फिलहाल रमेश मिश्रा की हालत नाजुक बताई जा रही है। वारदात के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। रमेश मिश्रा के साथी ने बताया कि दोनों बाइक सवार बदमाश हेलमेट लगाए थे, जिससे उनकी पहचान नहीं हो सकी। हॉस्पिटल लाए गए हैं इनके इलाज के लिए। यहाँ जो भी प्राथमिक उपचार है करके उनकी स्थिति को देखते हुए इनको लखनऊ रेफर किया गया है। बाकी बातें अभी उनके तरफ से, परिवार की तरफ से कोई FIR नहीं आई है, लेकिन विवेचना जारी है और जल्दी हम लोग इसमें जो भी मुलजिम होंगे उनकी गिरफ्तारी करेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।